यार हम सबको ना कोई भी छोटा मोटा सर्किट डिजाइन करना होता है तो उसके लिए हमें चाहिए पीसी या फिर कोई लैपटॉप। लेकिन मैं आज आपको एक ऐसे एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ जिसको आप अपने मोबाइल में डाउनलोड करके उसमें कोई भी सर्किट डिजाइन कर सकते हैं। और उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज या फिर बहुत ज़्यादा स्किल की जरूरत नहीं होगी, बस थोड़ा बहुत कंपोनेंट का नॉलेज हो तो आप कोई भी सर्किट इजिली डिजाइन कर सकते हैं। सो वेलकम टू इलेक्ट्रिक शॉक यूट्यूब चैनल में। तब तक के लिए वीडियो में बने रहिए, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस एप्लीकेशन के बारे में बताने के लिए मैं आपको ले चुका हूं अपने मोबाइल की स्क्रीन पे, वहां आप सारी चीजें देख सकते हैं। प्ले स्टोर में, प्ले स्टोर में आने के बाद आपको यहां पे टाइप करना है एवरी सर्किट, और एप्लीकेशन का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पे आप जाकर डायरेक्ट ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। और ऐप को जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपको सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, उसको डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद ये सिंपली इंस्टॉल हो जाएगा, उसके बाद आपको ऐप को ओपन कर लेना है। और यहाँ पे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, यहाँ पे आप अपना नाम और ईमेल आईडी वगैरह सारी चीज़ें रजिस्टर कर लेनी है। यहाँ पे पासवर्ड आपको ईमेल का नहीं देना है, आप कोई भी पासवर्ड चूज कर सकते हैं। पासवर्ड और ईमेल डालने के बाद आप ऐप के अंदर एंट्री कर लेंगे, और यहाँ पे आपको नीचे टैप करना है। और आप देख सकते हैं ऐप के अंदर आपको जैसे एंट्री कर चुके हैं, यहाँ पे आपको वर्कशीट, कम्युनिटी और सारी चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं, बुकमार्क्स वगैरह ताकि यहाँ पे पोस्ट की जाती हैं और मैं कोई भी सर्किट पोस्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया, जैसे मैं करंट का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं करंट कैसे फ्लो हो रही है, कितने मिली एम्पियर किस वायर में फ्लो होती है, सारी चीज़ें दिखा रखी है। यहाँ पे आप इस करंट को भाग हटा सकते हैं जितनी आपको रिक्वायरमेंट है। अब मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, जैसे ये रजिस्टर ट्री, तो रजिस्टर ट्री का मैंने एग्जांपल ले लिया। तो देख सकते हैं आप जैसे जैसे रजिस्टर बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे करंट का फ्लो रुकते जा रहा है, सो वैसे ही आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप कितना कॉम्प्लिकेटेड सर्किट कितना सिंपल तरीके से बना दिया गया है। यहाँ पर आप वोल्टेज को बढ़ा घटा सकते हैं और इसकी वेव फॉर्म भी ऊपर एकदम प्रैक्टिकली शो हो रही है। आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर भी इस तरह निकाल सकते हैं, सिंपल सा कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कहाँ से निकाल सकते हैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी हो तब भी हम निकाल सकते हैं। बस ये है कि आपको उसकी सारी चीज़ पता हो। मैं तीसरा एग्जांपल लेता हूँ, जैसे एलईडी एरे, मैं देख सकते हैं आप एलईडी एरे को किस तरह अरेंज किया गया है। यहाँ पर सारी वे फॉर्म भी सिंपली शो हो रही है कि किस एलईडी में कितनी ज़्यादा करंट किस टाइम किस पीच पे फ्लो हो रही है। और एक और मैं एग्जाम्पल लेता हूँ टाइम का, नहीं इसका देख सकते हैं आप सारे गेट्स प्रॉपर वर्क कर रहे हैं, और स्विच भी चेंज कर सकते हैं किस गेट में किस टाइम पे करंट फ्लो करानी है। और यहाँ देख सकते हैं कम्युनिटीज, यहाँ पे आप पोस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग पोस्ट करते हैं अपने सर्किट बना बना के, सो आप भी पोस्ट कर सकते हैं जैसे फेसबुक में पोस्ट करते हैं। तो कितने कॉम्प्लिकेटेड सर्किट वगैरह बनाते हैं और पोस्ट करते हैं, देख सकते हैं आप थ्री फेज ट्रांसफार्मर के बारे में एक सर्किट पोस्ट हुआ है यहाँ पे। और एक ही ओपैम का सर्किट है, कॉम्प्लिकेटेड सर्किट कितना सिंपल तरीके से बना के पोस्ट किया गया। और अब आप आ सकते हैं वर्कशीट में, यहाँ पे आप सारे एलिमेंट्स कर सकते हैं, बैटरी शॉर्ट्स को लिया। अब यहाँ पे मैं रजिस्टर ले लूँगा, रजिस्टर के साथ मैं इसको कनेक्ट कर दूँगा और उसके पहले ही मैं वोल्टेज सोच लगाऊँ ताकि मैं पता कर सकूँ कि रजिस्टर में कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। तो सर्किट को मैंने कम्प्लीट कर दिया और वोल्टेज को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दिया। अब मैं सर्किट कंप्लीट कर ले रहा हूँ, आप देख सकते हैं आप करंट फ्लो हो रही है कितने मिली एम्पीयर करंट फ्लो हो रही है, माइक्रो एम्पीयर, और कितना वोल्टेज आप अक्रॉस ये सब दिखा रहा है। अब मैं इसमें एक एलईडी ऐड कर लेता हूँ, सारे कनेक्शन कट कर देता हूँ। कनेक्शन कट करने के बाद मैं इसको प्रॉपर फॉर्म में कनेक्ट कर लेता हूँ, जैसा सर्किट आप पेज पर डिज़ाइन करते हैं वैसा आप यहाँ पर डिज़ाइन करना है। और देख सकते हैं आप कितना इजी फॉर्म में मेरा सर्किट कम्प्लीट हो गया। वीडियो को लेकर आपके मन में कोई क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब के लिए बाय, मिलते हैं ऐसे ही कमाल के नेक्स्ट वीडियो में।